You enjoy the reputation and goodwill of a very honest and transparent chief minister in the country. तो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए मैंने सुना है सर. हाँ, यस. तो क्या कर रहे हैं भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए हरियाणा में, जैसे जैसे आपकी इमेज बनी है? भ्रष्टाचार बहुत एक बड़ा चैलेंज है. भ्रष्टाचार को खत्म करना एक बड़ा चैलेंज है, और इस बड़े चैलेंज की संकल्प हमने जब शासन में आए थे उससे पहले ही लिया था कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए. आखिर एक व्यवस्था से शासन चलेगा तो लोगों को भी उसका आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा. सबसे पहला काम होता है प्रेरणा देने का, कि भाई आदमी स्वयं के आचरण से कितना कुछ बता सकता है. तो आज जैसा आपने कहा कि लोग मुझे कहते हैं ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर है, मैं हूँ कि नहीं हूँ ये लोगों को ही पता है, लेकिन एक लोगों को मैसेज तो है ना कि भाई अगर नेता नहीं करता है तो भ्रष्टाचार. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने एक सिंपल वाक्य कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब उसके ऊपर वो कितना कठोर काम कर रहे हैं उनके बारे में कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई अपने लिए व्यक्तिगत हित में कोई भ्रष्टाचार की बात की है, ये क्या हो गया, कभी कुछ नहीं. तो वो चीज़ें टॉप से शुरू होती हैं. देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर उनके बारे में होगा कि भाई ये ईमानदार आदमी है, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा वर्ग है उसमें से प्रेरणा भी लेता है. लेकिन कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं. हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं कि जितना डिस्क्रिशनरी पावर किसी भी अधिकारी की या नेता की या मंत्री की कम होगी, जितना सिस्टम्स मजबूत होंगे उतना भ्रष्टाचार कम होगा. हमने बहुत, जैसे मानो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन में जमीनों की रजिस्ट्री ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करनी शुरू की. तहसीलों के अंदर भ्रष्टाचार बहुत घटा. जैसा मैंने ट्रांसफर की ऑनलाइन पॉलिसी बताई, ये भी एक भ्रष्टाचार बहुत होता था, इससे भी भ्रष्टाचार घटा है. हमने ई गवर्नेंस के और कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. तो उस ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट के शुरू करने के बाद ट्रांसपेरेंसी आती है, भ्रष्टाचार कम होता है, जल्दी काम होता है, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है. तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अगला होता है कठोरता. अब कठोरता में हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट है, हमारे हर एक विभाग के अंदर भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि कहीं कोई भ्रष्टाचार अगर पकड़ा जाता है, कोई शिकायत मिलती है, उसको कठोर दंड भी दिया जाता है. दंड से मैं समझता हूँ कि लोग चोरी करने वाले उसका रास्ता निकालते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक भय बैठता है. तो वो भय भी किसी ना किसी मात्रा में जरूर काम करता है. और मैं ऐसा नहीं मानता कि भ्रष्टाचार कोई सारा ही समाप्त हो गया है, लेकिन एक वातावरण बना है हरियाणा में कि अब ये भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा. तो भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, जन भागीदारी की आवश्यकता है. जनता जिस दिन सहयोग करेगी उस दिन भ्रष्टाचार सारा समाप्त हो जाएगा.